दोस्तों, इस वीडियो में हम बाघ की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में हैं। बाघ की गुफाएं विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं? तो धार जनपद में। आगे हम लोग देखते हैं, बाघ गुफाओं का एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश गायिकाएँ गुफा संख्या 4 का चित्र है। अगला पॉइंट है बाघ के बारे में, बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? तो बाघ या बाघिनी नदी, जो नर्मदा की सहायक नदी है। देखते हैं बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो डेंजर फील्ड ने 1828 में किया था। बाघ के गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1828 में किस विद्वान के द्वारा बम्बई की पत्रिका साहित्यिक विनिमय संघ के माध्यम से दिया गया? तो लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड है। आगे लिख रहा है, प्राचीन भारत में गुप्तकाल संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफा में किया गया चित्रांकन है, दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो है बाघ गुफाएं। अगला पॉइंट है, बाघ की गुफाओं का समय क्या है? तो 4वीं और 5वीं शताब्दी है। बाघ गुफाएं किस काल की हैं? तो गुप्त काल की हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की अवधि 7वां राजवंश की है। बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव गुफा के नाम से। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो जनता शैली का प्रभाव है। बाघ की गुफाएं जनता की किन गुफाओं के समकालीन हैं? तो गुफा संख्या 1 व 2 के। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो 9, सभी बिहार गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 23 फीट × 14 फीट। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्र? गुफा संख्या 4 के। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी टेम्परा, जिसे ब्लू रंग का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो ब्लू रंग गोंद मिश्रित रंग चित्रण तकनीकी। सित्तन वासल बाघ तथा मट्टन चेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। प्रसिद्ध कुमार हलदार तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों में प्रतिलिपियाँ कब तैयार की? सन 1921 में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है बाघ। 200 का कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता? गुफा संख्या 4 से। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? कल्याण था। बाघ की गुफाएं किस धर्म संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सन 1982 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ संरक्षित की गई? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो 4 नंबर की गुफा। उसके बाद में दोस्तों, बाघ के बारे में बात करते हैं, गुफा संख्या 1 को गृह गुफा, गुफा संख्या 2 को पंच पांडु गुफा, गुफा संख्या 3 को हाथी खाना, गुफा संख्या 4 को रंग महल और गुफा संख्या 5 को पाठशाला कहा जाता है तथा गुफा संख्या 6 को संघाराम कहा जाता है। इस तरीके से आपको 6 गुफाओं की जानकारी प्राप्त हुई। 7, 8 और 9 गुफाओं का द्वार बंद होने के कारण उनका नामकरण नहीं हो पाया है, इसलिए उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बादामी की गुफाएं। जब तक बादामी गुफाओं की वीडियो आपको मिलेगी, तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।